चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं राज्यसभा। यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त संबोधित कर रहे हैं और युवाओं को आपका मार्गदर्शन भी मिला है और युवा भी आपको मिलने के लिए हमेशा उत्सुक रहे हैं। इन सभी संस्थानों में आपकी लोकप्रियता भी बहुत रही है। मुझे बताया गया कि वाइस प्रेसिडेंट के रूप में आपने सदन के बाहर जो भाषण दिए उनमें करीब करीब 25% युवाओं के बीच में रहे हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। आदरणीय सभापति महोदय, व्यक्तिगत रूप से मेरा यह सौभाग्य रहा है कि मैंने बड़े निकट से आपको अलग अलग भूमिकाओं में देखा है। बहुत सारी आपकी भूमिकाएं ऐसी भी रही जिसमें आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करने का भी मुझे सौभाग्य मिला। पार्टी कार्यकर्ता के रूप में आपकी वैचारिक प्रतिबद्धता रही हो, एक विधायक के रूप में आपका कामकाज हो, सांसद के रूप में सदन में आपकी सक्रियता हो, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के रूप में आपका सांगठनिक कौशल्य और लीडरशिप की बात हो, कैबिनेट मंत्री के रूप में आपकी मेहनत, नवाचार का आपका प्रयास और उससे प्राप्त सफलताएं देश के लिए बहुत उपकारक रही है, या फिर उपराष्ट्रपति और सदन में के सभापति के रूप में आपकी गरिमा और आपकी निष्ठा। मैंने आपको अलग अलग जिम्मेदारियों में बड़े लगन से काम करते हुए देखा है। आपने कभी भी किसी भी काम को बोझ नहीं माना, आपने हर काम में नए प्राण फूंकने का प्रयास किया है। आपका जज्बा, आपकी लगन हम लोगों ने निरंतर देखी है। मैं इस सदन के जरिए प्रत्येक माननीय सांसद और देश के हर युवा से कहना चाहूंगा कि वो समाज, देश और लोकतंत्र के बारे में आपसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति का विदाई समारोह चल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त राज्यसभा में तमाम सांसदों को संबोधित कर रहे हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही।